दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं केबी टीवी बिहार, और आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आया हूं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 में परोरा पंचायत के अंतर्गत। इस परोरा पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशियों के पास आया हूं जो काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक पद पर जुड़े हुए हैं, अपने पंचायत में जुड़े हुए हैं समाज के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। साथ ही उन्होंने 2006 में 6 से लेकर 2011 तक मुखिया पद पर थे। उसके बाद जो है फिर इस बार परोरा पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करवाए हैं। तो मैं उनसे जानने का काम करूंगा कि उनके पंचायत के अंदर क्या मूल समस्याएं हैं, क्या सारा कमी है, किस किस योजनाओं पे काम हुआ है, ये सभी पे मैं चर्चा करूंगा। और यहाँ के तमाम जनता से भी मैं बात करूंगा कि क्या काम हुआ है, क्या उनके पंचायत के अंदर मूल समस्या है। तो आइए मैं चलता हूँ रोरा पंचायत के पंचायत समिति पद के लिए अबोध कुमार उर्फ सुबोध कुमार जी के पास। सबसे पहले सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नामांकन जो आप पंचायत समिति पद के लिए करवाए हैं, उसके लिए आपको केबी टीवी चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद। आपके टीवी चैनल केबी टीवी चैनल को यहां प्रोड़ा तक आने के लिए धन्यवाद आपको भी सर। लेकिन मैं चाहूँगा सर कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक पद पर हैं, 2006 से 2011 में आप मुखिया थे इस परोरा पंचायत के, तो उस समय आपने 5 साल काम किए अपने पंचायत के प्रति, तो आपको पता होगा कि क्या क्या मैंने किया, क्या मूल समस्या थे। 5 साल में हम समझ सकते हैं कि पंचायत के अंदर कितना विकास हो सकता है। आपको ज़्यादा समय मिला नहीं पंचायत के अंदर, 5 साल मिला, लेकिन आप ये बताएं कि आप 5 साल के दरमियान जो थे क्या क्या किए, उसके बाद आपके काम करने के बाद क्या क्या काम हुआ उस पर, और अभी कितना मूल समस्या है आपके पंचायत के अंदर। जी, मैंने अपने मुखिया के कार्यकाल में खास करके वैसा काम किया और जो काम लोग होने नहीं देना चाह रहे थे, उसको मैंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, उस काम को पूरा किया। अभी जहां हम बैठे हुए हैं, ये सामने सड़क पर लोग 2 फीट कीचड़ में जाते थे और बहुत व्यवधान था, और निजी ज़मीन पर है, और मैंने ये लोगों से जमीन भूमि मांग करके और इस सड़क बनाने का काम किया। और ऐसा हाफ दर्जन ऐसा काम है जो निजी ज़मीन पर मैंने किया, लोग बहुत व्यवधान किए उस समय, और हम हमेशा जाति पाति धर्म से अलग काम किए हैं, और अभी भी मेरा यही है कि जाति धर्म इससे अलग हट करके काम हो, विकास का काम हो, कहीं कोई संप्रदायवाद की बात नहीं होनी चाहिए, मूल रूप से मेरा यही है। और उसके बाद है कि न्याय के साथ विकास हो। जी बिल्कुल। लोग कुछ लोग ऐसे, हम कहना नहीं चाहेंगे, ऐसा है कि कुछ लोग मान लीजिए काम किए और वो काम पर आज भी वो गाली सुन रहे हैं। मैंने ऐसा एक काम नहीं किया है जिस पर लोग गाली दे। हाँ, काम पूरा नहीं किया, ये संभव है कि सब काम हमसे नहीं हो सका होगा, ये संभव है। तो सर, आप मुखिया थे, 5 साल मुखिया पद पर रहे परोरा पंचायत के अंतर्गत, लेकिन फिर से आप पंचायत समिति पद ही क्यों चुने? आप मुखिया भी पद के लिए नामांकन दाखिल करवा सकते थे या जिला परिषद होता है, लेकिन आप पंचायत समिति पद पे ही क्यों नामांकन करवाए? ये तो मेरा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ था कि हम सिंगल में नहीं घर में जी। और हमारा जितना बेटा बेटी सब बाहर है, पढ़ लिख रहा है, इस परिस्थिति में महिला सीट होने के कारण मैंने मुखिया पद से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा जी। और जब राजनीति से लंबी समय से जुड़े हुए हैं, लगभग 30 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है जी। हम जब डिप्लोमा किए और उसके बाद राजनीति शुरू किए, कभी हम नौकरी की ओर नहीं देखे जी। मतलब समाज सेवा ही एक जी। और कुछ उस समय का परिस्थिति था कि कुछ लोग, कई कहना था कि कोई नहीं है दूसरा जो
मैंने सामने आ सके, अब नहीं कहना चाहिए, कहना पड़ रहा है। और हमने उस चैलेंज स्वीकार किया, एक में, छः में, उससे पहले पैक्स में। जी सही बात है सर, आपने काफ़ी लंबे जो लंबे समय से जो है राजनीतिक में हैं, पैक्स में भी रहे, दो बार मुखिया पद पर ही बने रहे, और इस बार जो है फिर पंचायत समिति पद के लिए जो है अपना नामांकन करवाएं। मेरा कामना है कि आप उस पद पे आएं और इस पंचायत के तमाम जनता जो है आपके जज्बात को समझे और आपको फिर से लाने का काम करेंगे। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत के अंदर, आप इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के कारण मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है, थोड़ा उस पर मुझे जानकारी। शिक्षा का स्तर तो यहाँ बहुत निम्न है, अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा से दूर हैं। यहाँ क्या अब तो कहने में भी हम संकोच कर रहे हैं कि कुछ लोग शराब पीना ही दूध पीना समझ रहे हैं। जी ये स्थिति है यहाँ के, यहाँ के कुछ मैंने जनप्रतिनिधि कहिए या जो जिम्मेवार लोग भी इसमें संलिप्त हैं। जी तो क्या यहाँ के विद्यालय में अच्छा से बच्चे जा पाते हैं, बैठ पाते हैं, जगह है नहीं है उसके बारे में अवगत कराएं सर, क्या सही मात्रा में वहाँ पे शिक्षक परिपूर्ण हैं या नहीं? बच्चे तो विद्यालय जाते हैं लेकिन शिक्षक की कमी है, कहीं भवन की भी कमी है। मैंने अपने 2006 से 11 के कार्यकाल में ही यहाँ इस पंचायत में 6 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का सृजन किया जी। उसमें अभी तक 3 का ही भवन बना है, चौथा बन रहा है और 2 अभी भी भवन विहीन है। तो इस मतलब भवन नहीं रहने के कारण भी बच्चे नहीं वहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरे स्कूल में ट्रैक किया गया है जो दूर है। उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं उस पर आपका क्या कहना है सर, उसका क्या समय पे डॉक्टर साहब हैं या नहीं हैं, दवा मेडिसिन एम्बुलेंस का व्यवस्था है नहीं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूरी पे बेगूसराय पड़ता है आपका, मान लीजिए इधर समस्तीपुर छौराही है तो दूर है PSC तो, लेकिन क्या लोकल इस पंचायत में लोकल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना ज़रूरी होता है, फर्स्ट रेट जो है होना चाहिए यहाँ के आम जनता को, क्या यहाँ पर है? यहाँ इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, चिकित्सा का इस पंचायत में कोई व्यवस्था पंचायत स्तर तक नहीं है। क्यों इस पर कोई विचार नहीं किया? अभी तक इतने सारे मुखिया जी आए, पंचायत समिति पद पे आए और भी बहुत सारे पद होते हैं, जिला परिषद भी आए, लेकिन कोई इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में नहीं कुछ सोचे क्या? हाँ सोच तो लोग रहे हैं लेकिन यहाँ जैसे पहले था, आज से 10 साल पहले यहाँ एक NM और एक कंपाउंडर यहाँ थे नियुक्त, लेकिन इधर 10 साल से हमको लगता है कि कोई कंपाउंडर नाम का कोई चीज़ नहीं है, नर्स नाम का कोई चीज़ नहीं है। जी मैं जानना चाहूँगा सर, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना आया था कि 2022 में जो है सभी लाभार्थियों को जो है घर मिल जाएगा, जो फूस उसके घर में रहते हैं, टट्टी के घर में रहते हैं, जो घर विहीन हैं, वैसे 2022 में जो है सारे लाभार्थियों को घर मिल जाएगा। इस पर कितना काम हुआ आपके पंचायत में और आपका क्या कहना है? कि घर अब जो सरकार से आवंटन मिला होगा वो तो मिला ही होगा, लेकिन ऐसे भी अभी भी 50% से ज़्यादा भवनहीन लोग हैं गांव में, जिनके पास कच्चा मकान है, फूस का मकान है, यही स्थिति है यहाँ। क्या आपको लग रहा है सर 2022 में माननीय प्रधान जी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं? अभी तो आवंटन पर डिपेंड करेगा, वैसे हमारा तो संभव नहीं बुझा रहा है, हम तो उम्मीद नहीं करते हैं कि उनका ये सपना इस पंचायत में पूरा होगा। जी एक और माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना था घर घर शौचालय, जो कि वृद्ध महिलाएं माताएं जो हैं महिलाओं के लिए खास करके दिया गया था, और जो भी है तमाम आम जनता के लिए ये चीज़ निकाला गया था कि खुले में शौच ना जाए उसके लिए आया था, तो इस पे कितना काम हुआ, घर घर शौचालय हुआ या नहीं हुआ, और मिला तो क्या उसमें भी भ्रष्टाचारी थे, उस पे थोड़ा सा मुझे जानकारी दें सर, क्योंकि एक महिला जो है सुरक्षित महसूस करते हैं अगर घर में उनको हर एक सुख सुविधा मिल जाता है, तो घर से बाहर अगर खुले में
में शौच जाते हैं तो बहुत तरह के बीमारी उत्पन्न होते हैं खुले में शौच करने से, या सांप काटने का डर रहता है अंधेरे में तो उससे जाने जा सकती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या उनको अवेलेबल हो पाया सभी को घर घर शौचालय? देखिए शौचालय तो जितना यहाँ बनना था बना होगा, वैसे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जो बना और उसमें जो लोग अपना जिम्मेवारी के साथ काम करवा लिए, पूरा ठेकेदारी व्यवस्था था यहाँ, कुछ लोग जो अपना जिम्मेवारी के साथ काम करवाए वो तो उसका उपयोग कर पा रहे हैं, और जो पूरे ठेकेदार के ऊपर रहा वो सब अनुपयोगी है, उपयोग के लायक ही नहीं है, तो लोग उसका उपयोग क्या कर सकेगा जी। आपके पंचायत में सर किसान भाई भी रहते हैं, आपके किसान भाई का क्या स्थिति है, क्या जो भी सरकार का योजना आता है उनको किसान को सही मायने में उनको लाभ मिल पाता है उस योजना का या नहीं? जैसे कि एक किसान सहायता राशि होता है, क्या उसका लाभ हरेक किसानों को मिल रहा है या नहीं? हाँ, कुछ हरेक किसान को तो नहीं मिल रहा है, कुछ किसान को मिल रहा है, और इसके प्रति खास करके यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि तो उदासीन रहे हैं। शायद कोई जनप्रतिनिधि आज तक किसी किसान से इस मुद्दा पर संपर्क किया हो कि आपके लिए ये गवर्नमेंट से ये अनुदान है या ये सुविधा मिलने जा रहा है, ऐसा कोई मीटिंग की सीटिंग भी वो नहीं की है आज तक कोई जनप्रतिनिधि जी। लेकिन मैं सर जानना चाहता हूं कि आप पंचायत समिति पद के लिए जो नामांकन दाखिल करवाएं, आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, आप तमाम जनता के सामने आपका क्या मुद्दा है आप हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं? जी, मेरा खास करके पंचायत समिति से नामांकन कराने का उद्देश्य है कि आज तक पंचायत समिति का क्या काम है यहाँ का जनता नहीं जान सकी है। मेरा मेन एक ही उद्देश्य है मुख्य रूप से कि यहाँ का जनता जान ले कि पंचायत समिति बन के भी लोग जनता की सेवा, बेहतर सेवा कर सकता है, और पंचायत समिति भी एक महत्वपूर्ण पद है, मुखिया से बड़ा पद, मुखिया से बड़ा है, और जिला परिषद पर भी वो अंकुश रख सकता है। ये एक ऐसा पद है कि जिला से पंचायत के बीच में रह के और पंचायत का पूरा जनहित कर सकता है, और यही हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोग जाने कि पंचायत समिति क्या है, आज तक लोग जान नहीं पाया है। तो आप जीतेंगे तो सर क्या क्या सबसे पहला प्राथमिकता किस चीज़ के काम को लेकर रहेगा? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि इस गांव में इस बार खास करके ये 2 वर्ष से इस गांव का लगभग 200 एकड़ जमीन अभी भी जल प्लावित है, जो खरीफ में भी फसल उसका डूब गया और आगे भी फसल लगने का कोई चांस नहीं है, और इसके साथ साथ लगभग 5-6 पंचायत जो इसी प्रखंड का है, छौड़ाई का ही है, उसका भी इसी तरह से फसल डूब गया है, और एक नहर यहाँ मात्र 1 किलोमीटर अगर बन जाए तो मेरे पंचायत का तो किसान का कल्याण होगा ही, 5 पंचायत और सहोड़ी तक, छौड़ाही प्रखंड का आधा प्रखंड और गढ़पुरा का भी आधा प्रखंड के किसान को इसका लाभ मिलेगा। मेरा मुख्य मुद्दा यही है, हम बने चाहे नहीं बने 2022 में इन नहर बना देना है, चाहे हमारा प्रयास से हो या हम स्वयं बनवा दें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहे सर, और ये होना भी चाहिए। लेकिन मैं सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि आप युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है, आपके तमाम पंचायत में जो भी युवा रहते हैं उनके प्रति आपका क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ के युवा कुछ जो समझदार परिवार से हैं, जिम्मेवार परिवार से हैं, वो तो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि 70% लोग, चाहे वो गार्जियन के चलते हो परिवार के या अन्य सदस्य के चलते हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान अभी भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही आप कहे सर, क्योंकि सबसे पहले उनका अभिभावक का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएं और अपने पे भरोसा रखें। लेकिन सर आपके पंचायत में देखा जाता है खास करके जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर राजनीतिक, तो क्या आप इसको कितना मानते हैं, सही या गलत, उस पर मुझे थोड़ा बता। हम इसको पूर्णतः गलत ही मानते हैं, और मेरा विचार आज तक जाति धर्म से अलग रहा है, और अभी भी हम इसी जाति धर्म से अलग हैं और रहेंगे। परोरा पंचायत के तमाम जनता जो हमारे KBTV चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं?
जी, यहाँ की जनता से मेरा एक ही अपील है और महत्वपूर्ण अपील है कि जाति धर्म संप्रदायवाद से अलग हो करके पंचायत में शांति, पंचायत के विकास, पंचायत में सद्भावना और न्याय के साथ साथ विकास के लिए हमें एक बार मौका दें। मैं इस बार पंचायत समिति पद से उम्मीदवार हूँ। मेरा अभ्यर्थी क्रमांक 1 है। मेरा चुनाव चिन्ह नारियल चुनाव चिन्ह है और हम तमाम जनता से, मतदाता भाइयों से अपील करते हैं कि आप हमें भारी मतों से मत देकर और ईवीएम का बटन क्रमांक 1 पर दबाएं ताकि आपका प्रतिनिधि बहुमत से जीत हासिल कर सकेगा। आपने मेरा कार्य काम अपने कार्यकाल में देखा है और अभी भी मेरी एक ही पहचान है, ये तो सब लोग जानते ही हैं, न्याय के साथ विकास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको केवी टीवी की ओर से, और मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस पे खड़े उतरें, यही मेरा कामना है आपसे। और मेरे बीच तमाम जनता भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी मैं राय विचार लूँगा कि इस बार वो क्या चाहते हैं, पंचायत समिति पद पे परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और उनका उनके पंचायत के अंदर क्या मूल समस्याएं हैं। तो आइए मैं जानता हूँ, क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। आप क्या इस बार वोट गिरा रहे हैं कि नहीं? आपका उम्र हुआ है? नहीं हुआ भैया मेरा उम्र। लेकिन आप क्या चाहते क्या हैं इस बार? आपके पंचायत में क्या क्या कमी है? आप एक युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अभी विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि इस पंचायत के अंदर ये कमी है, तो सबसे मेन कमी क्या आपको बुझा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है बहुत जगह जो है जंगल उठाने वाला डिब्बा दिया गया है, यहाँ पर उतना डिब्बा आर नहीं लगा है। और यहाँ पर जो है जहाँ तहाँ लोग आर बुटका उटका खाकर थूक आर फेंक देता है, उसके बाद यहाँ का जहाँ तहाँ दारू उरू बनता है, पीकर आदमी बेकाम हो जाता है। हेलो जी, तो आप क्या चाहते हैं इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना? जी, ये सब चाहते हैं ख़त्म कर हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि युवा थे जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं, उनका कहना हुआ जहां तहां जो है शराब का जो है उत्पाद किया जाता है, लेकिन इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, तो इस पे अति शीघ्र जो है अंकुश लगाया जाएगा। नीतीश माननीय नीतीश जी का कहना है छठ पर्व के बाद जो है इस पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपका क्या कहना सर, इस बार क्या सोचे हैं आप पंचायत समिति पद के लिए, आपका क्या राय रहे? इस बार परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। तो आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन में कौन नए चेहरा आ सकते हैं? ये तो अभी हमको नहीं समझ में है कौन आएंगे जी, लेकिन सुनने में आया सुबोध जी कैसे व्यक्तित्व के हैं? अच्छे व्यक्तित्व के हैं। क्या लग रहा है इस बार पंचायत समिति पद पे वो आ पाएंगे? हमको तो लगता है जी। बाबा आपका क्या कहना है, आपका क्या सोच राय विचार क्या है? राय विचार यही है कि सुबोध जी पंचायत समिति से खड़े उतरे हैं और अच्छे व्यक्ति समाज से भी हैं जी। और हम लोग जहाँ तक जो होगा वो साथ देंगे। क्या इस बार वो जीत पाएंगे? हम लोग तो लग रहा है ऐसा। मामा इस बार की विचार से तोहर किनखा वोट दै छै? दियाद। दियाद नाम क्या है आपका? उनका नाम क्या है? सुबोध। सुबोध जी, इस बार सुबोधे जी के वोट देबै पंचायत समिति में? हुनकर भाग हुनकर तो छेबे न करिए, माय पितियाइन छिए तो हुनकर छिए ने। जी जी, तो एक बार आशीर्वाद हुनका दै छिए की? हुनकर माय पितियाइन छिए हमे, आशीर्वाद दै छिए। हाँ, आशीर्वाद तो सब दिन मिलै छै। आपका क्या कहना है भैया, आपका इस बार क्या विचार रहेगा? मेरा नाम मोहम्मद मुजीम है जी। हम सोच रहे हैं कि इस बार जो है कि नया चेहरा नज़र आवे और अच्छा से अच्छा काम करके दिखावे, और हम लोग को कुछ इसमें कहना नहीं है, हम लोग को विकास चाहिए जी। बिल्कुल, और कोई भी आदमी को चाहिए कि विकास हो। विकास में सबसे पहला जरूरी क्या रहेगा? विकास देखिए, इसमें तो कहना नहीं, जो अगर काम अगर लग रहा कि काम होना चाहिए गाँव में, बिल्कुल, तो उस पर आदमी का नज़र देकर उसके बाद वो काम होना चाहिए। जी जी, बस यही हम लोग का काम। बहुत अच्छा बात आपने बताया सर। और भी हमारे बीच हैं कुछ जनता, आइए उनसे भी राय विचार लेता हूँ। की बाबा इबेर की लगे है, परिवर्तन होता है? हाँ,
परिवर्तन होते पंचायत समिति किनखा अपने के कौन चेहरा नजर अच्छा लगे छे? सुबोध। सुबोध जी इस बार पंचायत समिति पद पे वो खड़े हो रहे हैं, क्या इस बार लग रहा है जीत पाएंगे? विकास करेंगे अगर जीतेंगे तो? करेंगे। आपका क्या कहना है, आपका क्या नाम है सर? चुनचुन साहब। क्या इस बार आपको आपका विचार क्या है? विचार है बदलाव होगा, बदलाव विकास चाह रहे हैं। बदलाव का मतलब तो विकास? हाँ बिल्कुल विकास होता है। इन्होंने अपने रीजन में देखिए काम किए हैं, बहुत काम किए हैं जी, इसलिए देखिए इनको लाना चाहिए। अब बाकी तब जनता के ऊपर निर्भर है, काम किए हैं। समस्या देखिए यहाँ की एक समस्या है, रोड पे मान लीजिए मेन रोड पे पानी भरता है, नाली की व्यवस्था नहीं है। इतने मुखिया बन गए लेकिन अभी तक नाली मेन रोड पे नहीं बन पाया है। बाहर नाली तो बना दिए हैं, बाहर में नाली मान लिया चला गया है, लेकिन पानी जो गांव के निकलेगा रोड पे वो एक वो समस्या बना हुआ है, जो रोड पे अभी तक नाला नहीं बना पाए। एक अभी बोल रहे थे युवा थे, विद्यार्थी थे, उम्र तो वोट गिराने वाला नहीं हुआ है, लेकिन एक शिक्षा है, शिक्षा से ही विकास होता है। शिक्षित जो व्यक्ति हैं तो वो विकास के बारे में सोचेंगे। तो एक युवा का कहना हुआ कि जहां तहां जो है यहां पे शराब उत्पाद किया जाता है, तो क्या ये सही बात है क्या? हाँ है, ये सब चीज़ है। तो क्या आप लग रहा है कि इस पंचायत के लिए सही है ये काम? नहीं सही तो नहीं है, मान लीजिए अब जहीं तहीं है तो उसके लिए है कि लोग प्रशासन भी कितना करेगा। क्यों नहीं, प्रशासन का तो काम बनता है, वो करेंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी तो? सपोर्ट तो रहेगा, मान लीजिए अब गांव घर में है, गांव घर में उतना आदमी नहीं बोल पाता है, तो फिर अगर नहीं बोल पाएंगे तब तो यहां पे भ्रष्टाचार बढ़ता रह जाएगा और आपके जो भी आने वाला पीढ़ी है वो बिल्कुल बिगड़ते हुए चला जाएगा, शिक्षा से वंचित हो जाएगा, और केवल जो है घर घर पता चलेगा, फिर शराब का जो है उत्पाद बढ़ते चला जाएगा। तो इस पे तो जनता ही ना अंकुश लगा सकते हैं, जनता ही अंकुश लगा सकते हैं। सब साथी कहना वही सब है, सब सही है। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, विकास अच्छा लोग करे, अच्छा ढंग से उनको हर बार मिलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, वो भी हम लोग के भी विकास होते रहे, अच्छा बात है। ठीक है, क्या राय विचार है भैया, क्या करना चाहिए? मेरा नाम महेंद्र पासवान है जी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, 9 नंबर वार्ड का 5 साल के अंदर में जो वार्ड कमीशन जीता क्या काम किया हमको बताया जी। चलिए हम पूरा रास्ता दिखाते हैं, गली कुची दिखाते हैं, अभी तक कोई काम नहीं किया है। ठीक, एक रोड का भी है, बोला हम पैसा उठा लिए, थोड़ा आइए मेरे सामने दिखाते हैं। हाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, काम आप बताइएगा ना वही तुरंत चला जाएगा। नहीं 9 नंबर में हमारा अभी तक कोई काम नहीं हुआ, 9 नंबर में काम नहीं है आपका? नहीं। क्या इसमें अगर मान लीजिए अभी जो प्रत्याशी बहुत सारे मुखिया में खड़े हैं, पंचायत समिति पे खड़े हैं, सरपंच में खड़े हैं, वार्ड सदस्य में खड़े हैं, तो आप क्या चाहते हैं इस बार परिवर्तन? हम चाहते हैं बढ़िया काम करें, उससे को हम जिताएंगे जी। तो कुछ चीज़ हम पर्सनल भी दिखा देंगे, ऐसा हुआ है मेरे 9 नंबर में वार्ड में, चलिए हम दिखा देते हैं। हमारे रोड का पैसा उठ गया, ठीक है, लेकिन रोड नहीं बना, नहीं सोलिंग तक हुआ, नहीं मत्ती उठा, इसका हम जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, क्यों 5 साल, ठीक है 5 साल में जो वार्ड जीता क्यों नहीं जाँच करवाया जी? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात होगा, जरूर होगा जी। और इस पे हम जाते हैं कि आप जो बोले हैं इस पे बात हो जाएगा, जांच पूरा बैठेगा। रोड बनने वाला नहीं था ये? हाँ वो चीज़ देख लीजिए, फोटो लेके लेके चलिए, ठीक है, और चलिए हम दिखाते हैं। आपका क्या कहना है, बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे तो सोन पर घर छे, पावर गिरे लून घर छे, एते कादो धनी जेबे आसे मुखिया सरपंच हमरा कुछ नहीं कर दे छे, उ जिता दे छे। वृद्धा पेंशन मिलल ना? हमरा आर के नहीं लिखे ने छे वृद्धा पेंशन नहीं मिलल है ना। ओकर बाद प्रधानमंत्री आवास योजना घर उर मिलल? घर मिलल बहुत दिन पहले ही, 24,000 वाला घर। 24,000 वाला के उनका सुबोध जी के रास्ता ना? उमेश मुखिया देलखन, उमेश मुखिया जी के रास्ता। लेकिन ई बेर की चाहे छिए, परिवर्तन विकास चाहे छिए कि परिवर्तन? विकास ककरो जिता देबे कोई करनी करथन तब ने जिताइए, की होय छे हमरा ई बेर केहन प्रत्याशी के चुनल चाहे छिए? चुनल जे बढ़िया लोग होतिन, करे वाला होतिन, करनी तक जिताएल जेते जी। आप वोट गिराते हैं? नहीं, आप वोट नहीं गिराते हैं? तो इधर दिखाइए, कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 9 नंबर वार्ड का जो है ये रोड है, जो कि पक्कीकरण नहीं हुआ है। यहाँ के वार्ड सदस्य का कहना है और तमाम जनता का जो है कहना है, मेरा कहना है कि मैं जिनसे बाइट लेता हूँ उस पर आँख बंद करके आप भरोसा ना करें, लेकिन मेरा ये जरूर है कहना कि आप अपने पंचायत के अंदर ऐसे प्रत्याशी को चुने जो शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों, ईमानदार हों, जो आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास कर पाएँ, शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें, वैसे प्रत्याशी को चुने ताकि आपके पंचायत का जो है विकास गतिशील बढ़ते जाए।
इसी के साथ कैमरामैन कुमार गौरव से के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद। किस बच्चों